हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम बनाएंगे मसाला पाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। 2.5 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून घी लेंगे, घी या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं, और इसको अब अच्छे से गरम होने देते हैं। अच्छे से गरम होने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा, जीरे को अच्छे से क्रैक होने देंगे। क्रैक होने के बाद इसमें हम 1 ऑनियन जो अच्छा चॉप करा है, बारीक चॉप करा हुआ, इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद अब हम इसमें 2 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे अब हम थोड़ा सा पकने देंगे। सॉल्ट हमने इसलिए डाला है ताकि ये सब्जी अच्छे से पक सके। थोड़ा सा पकने के बाद मैंने इसमें 2 टोमेटो को चॉप कर मिक्स कर दिया है। अब हम इसे इन सबको अच्छे से पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, लाइक एंड शेयर कमेंट एंड ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा पकने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पकने देंगे। थोड़ा सा पकने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभी कोई कोई सब क्वालिटी के अलग अलग आते हैं, इसलिए आप थोड़े से आपके हिसाब से थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए। अब हम इसको हल्का सा मैश करेंगे, ज़्यादा मैश नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा मैश करिए। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें बारीक चॉप करा हुआ धनिया मिलाएंगे। इसे वापस एक बार हम मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, और आप गर्म भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब हम तवे को गर्म रख देते हैं और हमारे पाव ले लेते हैं। तवे पर हम 1 टीस्पून घी या बटर आपके पास जो अवेलेबल हो उसको गर्म होने दीजिए, और पाव को हाफ कट कर लीजिए। हाफ कट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम घी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और एक तरफ हमारा मसाला ले लेते हैं। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं, और अब हम सब मसाले को पाव के अंदर अच्छे से भर देंगे, और सब तरफ अच्छे से मसाले को पाव से कवर कर देंगे, पाव को मसाले से कवर कर देंगे। अच्छे से कवर कर दीजिए और पाव को अच्छे से सब तरफ से सेक लीजिए। अच्छे से सब तरफ से अच्छे से इसको सेक लीजिए। थोड़ा दबाते हुए अच्छे से सब तरफ से। देखिए हमारा पाव ऑलमोस्ट सिक चुका है। अब सीखने के बाद अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और हमारा मसाला पाव भी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका मसाला पाव कैसा बना है।